बड़ी खबर से जो मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त मंदसौर से। सीतामाऊ में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। मंदसौर की खबर है, सीतामाऊ में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मंदसौर से इस वक्त बड़ी खबर, मंदिर परिसर में आम सभा करने का आरोप लगा है बीजेपी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता पर। मंदसौर से ये बड़ी खबर, सीतामऊ में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने मंदिर परिसर में आम सभा की है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर मंदिर का परिसर है, यहां पर आम सभा करने का आरोप लगा है। आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जाता है, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र। और ये आप देख सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है। इस खबर को और अधिक जानकारी के लिए मंदसौर से संवाददाता प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कहां सभा की, कौन सा ये मंदिर था और क्या कुछ शिकायत की गई है? बिल्कुल निशिकांत, मैं आपको बता दूं, मंदसौर जिले के जो सांसद है वो जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया हुआ सीतामऊ क्षेत्र के दौरे पर थे, यहाँ पर खेड़ा गांव में वो आए थे और यहाँ पे एक मंदिर है जो तारक मंदिर है और उसकी चबूतरा है, उसके ऊपर सांसद जी ने आम सभा करी। यहाँ तक देखा गया है कि साथ में VST और FST की टीम भी मौजूद थी। प्रकाश, मंदिर परिसर में सभा की है, इसकी शिकायत भी की गई है, क्या कुछ सुधीर गुप्ता का कहना है, आपकी बात हुई उनसे? जी फिलहाल अभी मैं सुधीर गुप्ता के साथ में हूँ, उनका उनसे भी मेरी बात नहीं हो पाई। उनका कहना है मीडिया तो दूरी बनाए हुए घूम रहे हैं और हमें मीडिया के पास में आ रहे हैं, उनका कहना है मैं बाइट नहीं दे सकता हूँ अभी। बिल्कुल, क्या इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है? जी बिल्कुल, अभी तक तो चुनाव आयोग की तरफ से जो VST जो वीडियो निगरानी दल है वो साथ में चल रहा है सांसद जी के, देखा जाए तो वो शाम तक देखा जाएगा कि शिकायत होती है या फिर ऐसे ही मामला गोलमाल किया जाता है। यानी कि अभी जो है चुनाव आयोग से शिकायत नहीं की गई है इसकी? जी बिल्कुल, VST जो दल है जो सांसद जी के साथ में चल रहा है, वो वीडियो निगरानी दल जो है वो वीडियो बना रहा है और उनसे यही बात हुई, उनका कहना है कि हम शाम तक कैसेट जो है वो चुनाव आयोग तक भेजेंगे। जी, तो ये आरोप फिर किसने लगाया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है? जी वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है मंदिर परिसर में जो हो रही है आम सभा, ये नहीं होना थी, मंदिर के बाहर होना थी, जो मंदिर के अंदर जो है आम सभा हो रही है। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।